क्या आप भी इंटरनेट पर स्ट्रेंजर्स के साथ चैट करने के शौकीन हैं? तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये आदत आपको महंगी पड़ सकती है। जैसा कि मुंबई के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुआ, जिसने इंटरनेट पर एक महिला के साथ चैटिंग की और लाखों रुपए गवा दिए। देश में साइबर क्राइम्स, स्पेशली साइबर सेक्सटॉर्शन के केसेस काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 2022 में केवल पुणे से ही सेक्सटॉर्शन के 1400 से ज्यादा मामले सामने आए थे। ऐसे मामले ज्यादातर डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यहाँ तक मैट्रिमोनियल साइट्स पर देखने को मिलते हैं, जहाँ स्कैमर्स यूजुअली पुरुषों को टारगेट करते हैं। स्कैमर्स खूबसूरत महिलाओं की फेक प्रोफाइल्स बनाकर विक्टिम से न्यूड तस्वीरें, वीडियोस एक्सचेंज करते हैं और बाद में इन्हीं पिक्चर्स, वीडियोस को लेकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अब आप पूछेंगे, फिर इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले तो किसी अननोन नंबर से की गई वीडियो कॉल ना उठाएं। सोशल मीडिया पर किसी को हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स, वीडियोस ना भेजें। सबको ये ना बताएं कि आप कितने अकेले हैं और इतनी आसानी से किसी अजनबी पर ट्रस्ट ना करें। लेकिन ऐसे स्कैम्स के बारे में जानने के लिए न्यूज़ चेकर को जरूर फॉलो करें।